हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी में थोड़ा आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। आज आपने इंट्राडे में शॉर्ट किया हो तो आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा, लेकिन लास्ट के क्लोजिंग टाइम में हमें काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। आप देख सकते हो 11,300 का लो बना के निफ्टी 11,387 पे क्लोज हुआ है। तो अब अगर 15 मिनट का चार्ट हम लोग देखें तो मुझे लगता है यहाँ तक अब लेवल्स पॉसिबल है। एक बार शॉर्ट कवरिंग वापस हमें देखने को मिल सकती है और 11,440-450 तक निफ्टी जा सकता है, जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव बायसनेस लग रहा है निफ्टी में, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, फ्रेश लॉन्ग के हिसाब से नहीं। तो आपको इंट्राडे के लिए लॉन्ग करना चाहिए 11,450-460 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, विच इज़ अ बुलिश पैटर्न। ये लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है 23,300-24,000 तक, प्योरली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। थोड़ा सा मुझे शॉर्ट कवरिंग रैली लग रहा है दोनों इंडेक्स में यहाँ से, क्योंकि नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है और कल के दिन में मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू रह सकती है। सो 23,300-24,000 टारगेट होगा बैंक निफ्टी के लिए और 11,450-460 टारगेट होगा निफ्टी के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में माइंट्री सेल दिया था, सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने आपको टाटा मोटर सेल दिया था, सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने आपको बजाज फाइनेंस बाय दिया था, उसका भी बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। सो एक्चुअली आज मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, रेंज बाउंड था, तो जो मैंने लेवल्स दिए थे वो लेवल्स ट्रिगर नहीं हुए, तो हम लोगों ने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। बस करते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको कल के सेशन में ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। बैंक में मुझे शॉर्ट टर्म रैली लग रहा है। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है और प्योरली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली हमें इसमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखो इसमें काफ़ी बड़ा फॉल आया था 530 से लेके 458 तक और अब एक ग्रीन कैंडल बना है। तो मुझे लगता है ये जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, अगर कल ये हाई क्रॉस करता है तो डेफिनेटली जिन्होंने सेल किया था वो प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे और शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। पीवीआर का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो पीवीआर ने एक ट्रेंड लाइन तोड़ा है, तो पीवीआर ने ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग किया है और मुझे लगता है अगर इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो एक शार्प फॉलो हमें देखने को मिल सकता है। सो पीवीआर कौन से लेवल पे शॉर्ट टर्म है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये लेवल्स बार बार रीटेस्ट हो चुका है और मुझे लगता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है इस बार तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन मुथूट फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि ये लेवल बार बार रीटेस्ट हो रहा है और अगर इस बार टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।